तो अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई मिठाई की डब्बा है तो भाई यहाँ पे आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ये है बोट की नई नेकबैंड की बॉक्स पैकेजिंग, बोट रॉकर्स 330 ANC। और गाइज आपको और एक बोट रॉकर्स 333 ANC आने वाला है, जो कि आगे आपको भी रिव्यू दे दूंगा। बाकी यहाँ पे इसकी जो मेन हाईलाइट है कि गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे क्रिस्टल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय डायरेक्ट ऑप्टियो, और यहाँ पे आपको जो एक्टिव नॉइस सेंसर्स मिलती है वो आपको अप टू 25 dB तक देखने को मिल जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि गाइज ये जो 25 dB देख रहे हो, ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको 13 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे, एक साइड यहाँ पे आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगे और दूसरे साइड यहाँ पे साउंड दैट मैटर्स करके मेंशन है, जो आगे हम बताएंगे डिटेली रिव्यू करके कि इसकी साउंड एक्चुअली कितनी मैटर करती है। बाकी पीछे भी आपको और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जो आगे आपको मैं एक एक करके वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जरूर से वीडियो में बने रहना इसके डिटेल रिव्यू के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जरूर से बेल आइकन को दबा देना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो अभी जल्दी से ये बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ओपन करना है और यहाँ आपको अगेन बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगे और कुछ इस प्रकार के यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होता है। और जैसे आपको मैं कहा था कि मिठाई के पैकेट के जैसे एक आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आपको पेपर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे कुछ डिटेल्स है हम आगे देख लेंगे उसके बारे में। और यहाँ पे आपको एक्चुअल नेकबैंड देखने को मिल जाएंगी। और जैसे यहाँ पे बॉक्स को खोलते हैं, बस इतना ही सामान है भाई, और बॉक्स आपको देख लो इतना बड़ा दिया गया है। और यहाँ पे मुझे जो सबसे पहले चेक करना है कि भाई यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ मिलती है नहीं, तो गाइस देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको कोई भी मैग्नेटिक कंट्रोल देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको मैनुअली बटन के थ्रू इसको ऑन करना पड़ेगा। ये चीज़ लगा कि इसी प्राइस रेंज में देना चाहिए था, लेकिन आपको सैडली ये फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। और पेपर वर्क में यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल, एक 1 ईयर की वारंटी कार्ड, कुछ आपको कैटलॉग और इस तरह से बोट हेड के एक स्टिकर देने को मिल जाएंगी। एक्सेसरीज में टाइप सी की चार्जिंग केबल और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे नेकबैंड की डिजाइन के बात करें तो ये काफी हद तक यहाँ पे आपको पुराना बोट रॉकर 330 और 333 के जैसे ही देने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको प्रॉपर सिलिकॉन टाइप की इसकी जो मटेरियल देखने को मिल जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल और आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिल जाएंगे। कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। बाकी यहाँ पे बात करें जो बैटरी वाली पार्ट की, तो गाइस यहाँ पे आपको प्रॉपर प्लास्टिक देखने को मिल जा रही है, कोई आपको मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी अच्छा है। और सारे आपको यहाँ पे बटन्स देखने को मिल जाएंगे, एक मल्टीफंक्शनल बटन, और यहाँ पे आपको प्लस माइनस बटन देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड ANC बटन देखने को मिल जाएंगे। टाइप सी की जो चार्जिंग पोर्ट है इस पे आपको कवर देखने को मिल जाएंगे, एक छोटी सी LED इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे वायर की बात करें तो गाइस ये आपको रबराइज टाइप की देखने को मिल जाएंगे और क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे ईयरबड्स को लेकर बात करें तो गाइस इसकी जो मैग्नेट है इसकी होल्ड आपको ज़्यादा स्ट्रांग देखने को नहीं मिलेगा, बाकी इसकी डिजाइन आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी और फिटिंग वगैरह आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको बोर्ड की लोगो देखने को मिल जाएंगे, ओवरऑल डिजाइन यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। बस यहाँ पे मैग्नेट का जो होल्ड थोड़ी सी बेटर हो सकता था, नहीं तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। और ये नेकबैंड में आपको IPX4 की रेटिंग देखने को मिल जाएंगे, जिसके वजह से हल्के फुल्के पानी के छींटे गिरते हैं या फिर वर्कआउट के टाइम में स्वेट होता है, तो इस नेकबैंड को ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, अब आराम से इसको यूज कर पाओगे। कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देने को मिल जाएगा, और गाइस यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी कोडेक ऐसे तक का भी सपोर्ट देने को मिल जाएंगे। ये नेकबैंड यहाँ पे डुअल पेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आप एट ए टाइम 2 डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। और अभी बात करते हैं इसकी जो मेन हाइप की, भाई इसकी जो साउंड क्वालिटी एक्चुअली में कैसी देने को मिल जाएंगी। तो गाइस यहां पे आपको जो क्रिस्टल बायोनिक साउंड मिलते हैं इसको एनेबल करने के लिए ये जो मल्टीफंक्शनल बटन है इसको यहां पे आपको कंटीन्यूअसली 2 बार टैप करना पड़ेगा। तो गाइस यहां पे आपको एक हल्की सी म्यूजिक सुनाई देगा, तो ये उसी मोड को स्विच हो जाएगा, और वापस यहां पे नॉर्मल मोड को आने के लिए अगेन सेम यही मल्टीफंक्शनल बटन को आपको 2 बार टैप करना पड़ेगा। और यहां पे ये जो फीचर है ना, जो आप यहां पे नॉर्मल मोड का आते हो, इसको यहां पे पावर सेविंग मोड कहते हैं। और यहाँ पे जैसे ANC को बंद कर दोगे और ये फीचर को बंद कर दोगे तो ये कंप्लीटली 1 kind of पावर सेविंग ये कहलाता है। और उसी टाइम में आपको मिलेंगे 24 hours की प्लेबैक टाइम, और वो भी 60% वॉल्यूम के साथ। और यहाँ पे ANC को ऑफ करके ये जो क्रिस्टल बायोनिक साउंड को यहाँ पे ऑन कर दोगे उस टाइम आपको मिलेंगे 15 hours की प्लेबैक टाइम। और दोनों चीज को यहाँ पे एनेबल करोगे ANC और ये जो HD साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे एनेबल कर दोगे तो यहाँ पे आपको टोटल 13 hours की प्लेबैक
टाइम मिल जाएंगे, वो भी 60% वॉल्यूम में। तो गाइस यहाँ पे 100% वॉल्यूम के साथ आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको तकरीबन यहाँ पे 10 घंटा या फिर उससे कम यहाँ पे बैटरी लाइफ देने को मिल सकती है। लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है ये कम्प्लीटली जस्टिफाई करती है। और गाइज यहाँ पे आपको जो साउंड है ना काफी डिटेल और लाउड सुनाई देंगे। और गाइज यहाँ पे बेस भी काफी बढ़िया है, ट्रेवल फोकस भी काफी हद तक क्लियर है, लाउडनेस है, लेकिन आपको साथ में डिटेल में कोई भी कमी देने को नहीं मिलेंगे। ये चीज काफी अच्छा लगा। हालांकि यहाँ पे इसी प्राइस रेंज में इसकी जो बैटरी लाइफ और थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन एनीवेज साउंड क्वालिटी को लेके मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी जो साउंड क्वालिटी की वजह से मैं बैटरी लाइफ के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। रही बात यहाँ पे कॉलिंग को लेके, तो गाइस यहाँ पे बोट की नेकबैंड है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ENS टेक्नोलॉजी देने को मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन देने को मिल जाएंगे। तो कैसे परफॉर्म करते हैं उसकी एक रियल टाइम टेस्ट कर लेते हैं, जिससे आपको बेटर पता चले इसकी कॉल क्वालिटी कैसी रहती है। तो ये जो आवाज आप सुन रहे हो, ये आवाज आपको किसी बोर्ड ऊपर 330 ASUS सुनाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में ट्रैफिक नॉइज को प्ले किया हूँ। और गाइस यहाँ पे मैंने एक्टिव नॉइज कैंसलेशन को एनेबल किया है, जिसके वजह से जो बैकग्राउंड की नॉइज काफी हद तक यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है मेरे लिए, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज कैसे सुनाई दे रही है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और यहाँ पे कॉल क्वालिटी आपको जिस तरह से सुनाई देगी, सो कॉलिंग के मामले में ये आपको एवरेज देने को मिल जाएंगे। नॉइज कैंसलेशन थोड़ा सा यहाँ पे बेटर हो जाता था, इंडोर कंडीशन में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पे ऑडियो की क्वालिटी अच्छा था, बस यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन और थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। और गाइज आपको यहाँ पे कोई भी लो लेटेंसी मोड देने को नहीं मिलेंगे, तो ये आपको मैं गेमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आप जरूर से इसका एक गेमिंग टेस्ट देख लो, जिससे आपको लेटेंसी की थोड़ी सी अंदाजा लग जाए। तो जैसे आपने इसकी लेटेंसी टेस्ट देखा, तो गाइस यहाँ पे मूवीज वगैरह देखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी यूट्यूब के कंटेंट देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे गेमिंग के लिए जैसे आपको कहा कि ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं रहेंगे। और रहा भाई यहाँ पे 1500 के प्राइस पॉइंट में ये कितने और थे, तो देखो यार नो डाउट इसकी म्यूजिक क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, कॉल क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और हमें बैटरी लाइफ को लेकर अगर मैं बात करूँ, तो गाइस ये थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे बोट खास करके यहाँ पे बैटरी लाइफ के लिए ज़्यादा माना जाता है। तो ये चीज़ कहीं लोगों को यहाँ पे शायद लगेगा कि भाई यहाँ पे इसकी बैटरी लाइफ और थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, नहीं तो ओवरऑल इसकी जो म्यूजिक क्वालिटी मुझे काफी सही लगा। सिर्फ यहाँ पे म्यूजिक क्वालिटी को लेके अगर इसी प्राइस रेंज में 1500 रुपए के लिए ही ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। हालांकि आगे इसकी प्राइसिंग शायद आपको 2000 रुपए तक देखने को मिले, उस टाइम में सिनेरियो कहूंगा कि शायद आपको मैं ये रिकमेंड करने नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके पास और भी बेहतर ऑप्शन देने को मिल जाएंगे। और कोई डाउट रहेगा, कोई कंपेरिजन देखना होगा, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करके बताना, और आप तो मुझे आप इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मैं आपको जरूर से हेल्प करूंगा। और अभी के लिए वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से यार वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।